in case study after case study in this entire journey of Debt to Life that the entire family needs to be on the same page, on board, if a financial solution has to be found. और इस case study में जो शख्स जिनको हम हरकीरत बुला रहे हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरकीरत, in my experience, अपनी बीवी से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। Trust me on that. So, shall we get down to your credit cards? Yes, sir. All right. Here's what we have worked out. First credit card, rather. जिस बैंक से आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए, उसका आउटस्टैंडिंग है 3,52,000. हमने बैंक से बात की. They're willing to settle at 2,99,000 or 40 EMIs at 10% per annum of 8,851 per month. Just think about it. आप पहले 42% दे रहे. That's the amount you are giving. Credit card 2, 1,61,000. They're willing to settle at 1,30,000. I think it's a good deal. All right. Now the remaining 5 cards, उनका total आता है 2,65,000. All right. हमने इन सभी बैंक से बात की, and believe me, it wasn't easy. Thank you so much. You put us through some tough times, Mr. Singh. Anyway, 2,65,000, EMIs of 9,200 per month for 36 months. I think you can manage that. Let's look at your current problems. Immediate requirement. आपके लोन्स की है 54,000, क्रेडिट कार्ड्स की, रादर क्रेडिट कार्ड 2 की 1,38,000, टोटल ऑफ 1,92,000 टू सेटल एंड क्लियर योर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड 2, द रिमेनिंग ऑन ईएमआईस. डू यू हैव टू मान? मैं नहीं जा सकता सर. गोल्ड की वैल्यूएशन करें जी. कितनी वैल्यू? 2.5 लाख से काफ़ी ज़्यादा है. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट. मॉर्गेज हुआ तो मॉर्गेज. Look, Harkeerat, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, anybody who's willing to lend you the money, उनसे borrow करो. सर, ये आप क्या क्या नहीं करने के लिए मुझे कह रहे हैं? These are tough times. और ऐसी tough times. सर, आपके लिए तो मैं सिर्फ एक क्लाइंट हूँ ना, जिसके लिए आप एक एपिसोड बना लेंगे. आपको क्या लगता है आप जो भी कुछ मुझसे कहेंगे वो मैं कर लूंगा? आप कहते हैं कभी गाड़ी बेच दो, कभी बोलते हैं सोना मॉर्गेज करा दो, दोस्तों से ले लो. सर, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सर? लेकिन ये सब आप थोड़ी ना सोचेंगे. मिस्टर सिंह, हम मुझसे बात करें कि कमरे में कोई और आ गया था. एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जिस प्रॉब्लम में आप हैं और जिस मेस में आप हैं, आप खुद अपनी गलतियों की वजह से हैं. हम बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ डेयर यू पॉइंट फिंगर्स एट मी और माई टीम? डू यू नो द काइंड ऑफ रिलेशंस वी हैव विद बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस? डू यू नो व्हाट ऑल इज एट स्टेक? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू नो व्हाट ऑल वी हैव हैड टू डू टू गेट यू आउट ऑफ दिस? वी हैव स्पोकन टू ईच एंड एवरी बैंक, ऑल द बैंक्स दैट यू टुक क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम, दैट यू टुक लोन्स फ्रॉम. वी हैव गॉट यू सेटलमेंट्स. क्या क्या करना पड़ रहा था इस दलदल से निकलने के लिए. अब तो बीवी को भी खबर होने लगी थी, और क्या कुछ करवाएंगे मुझसे, सोचने से भी डर लगता था. ऑलराइट, नाउ क्रेडिट कार्ड्स, मंथली ईएमआईस करंटली 8,851 प्लस 9,200, दैट्स अ टोटल ऑफ 18,051. आपके लोन्स, लोन 2 एंड लोन 3, उनके फिगर्स आ रहे हैं 14,968. टोटल मंथली ईएमआई ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स इज 33,019 रुपीज. आपकी मंथली सैलरी है 31,000. यू आर स्टिल फॉलोइंग लिटिल शॉर्ट. हाउ डू यू मेक दैट अप? आपकी वाइफ काफी वेल एजुकेटेड है. मतलब आई थिंक शी शुड गो टू वर्क. मैंने आज तक कभी अपनी वाइफ को कुछ बोला नहीं, और अब आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उससे कहूँ कि काम करे. ट्राई अंडरस्टैंड. सर, अब तक तो ठीक था. आई हैव नेवर टोल्ड हर एनीथिंग एंड नाउ यू आर आस्किंग मी टू टेल हर. आप अपनी सैलरी से अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे ऑफ कीजिए. लेट योर वाइफ टेक केयर ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एक्सपेंसेस. फ्यूचर अनसर्टन था, और मिलती थी तो सिर्फ इग्नोरेंट होप. थोड़ा सोच के देखिए, एक ऐसे हस्बैंड जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताया है, और फाइनली इतने साल के बाद वो आते हैं मांगने के लिए वाइफ का सोना ताकि उसको गिरवी रखा जा सके. यू कैन इमेजिन हाउ सेंसिटिव द सिचुएशन वुड हैव बीन. बट थैंकफुली इन दिस केस, वंस द वाइफ वाज ऑन बोर्ड, थिंग्स सीम टू बी फ्लोइंग फार मोर स्मूथली. मैं इतना खुश हूं ना कि ये बात तुमने मुझसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी. माय मिस्टेक. आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये बस कुछ ही समय तक रहेगा. तुम्हारे मुंह से माफी, सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं कई महीने से देख रही हूँ तुम्हें, तुम बहुत खोए खोए से रहते हो. अरे अरे नौकरी तो मुझे झट से मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? बेवकूफ हो तुम। डोंट गो देयर अगेन, ओके? बस एक काम करो, इतना सब कर लिया ना तुमने, अपनी खोई हुई ऑप्टिमिज्म को वापस ले आओ। बस एक बार इस चक्कर से हम निकल जाएं, फिर तुम देखो मैं क्या चक्कर लगाता हूँ। यू नो, आई जस्ट डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स एनीमोर, आई बिलीव इन स्मार्ट कट्स। स्मार्ट कट्स? We'll get into investment after a year, but we'll get into investments. Investments? किसमें? Real estate. Real estate? Yes. And I just know where. You know, I've thought of something unique. कहाँ पर है तुम्हारी ये unique location? The moon. पागल हो गए तुम? क्यों? Please हाँ. On a very serious note. हाँ. I've got a business plan, and I want you to be a part of it. We'll start a car rental company of our own. You know what? I've got contacts. I know people, and it's going to really rock. I've been thinking over it for the past couple of months, and I think now once we are out of this whole mess, we can get into doing that. Well, this is how another Debt to Life journey comes to an end, and a happy end at that. कुछ similarities तो हर story में, हर case study में हमको देखने को मिलती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। वही पैटर्न कि लोग डरते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन खुद समझने में, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स देखने में, अपने लोन्स टोटल अप करने में, अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करने से भी डरते हैं, और उनको सेट करने में, उनको फाइनली डिफाइन करने से भी डरते हैं। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट सीम्स टू बी ऑन द राइज, एंड दैट इज हाउ पीपल आर नॉट टेकिंग देयर फैमिलीज इनटू कंप्लीट कॉन्फिडेंस अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हुए। हमने एक केस देखा बैंगलोर का जहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हमने एक केस देखा कैलकाटा का जहाँ पे एक फादर को नहीं पता था कि उनके बेटे की क्या सिचुएशन थी, एंड देन दिस लेटेस्ट केस स्टडी वेयर द वाइफ हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया एज टू व्हाट वाज गोइंग ऑन विद इन हर वेरी ओन हाउसहोल्ड। हे हरकीरत, गुड टू सी यू। गेस व्हाट, मेरी वाइफ को जॉब मिल गया। दैट्स ग्रेट न्यूज़। मैंने गाड़ी बेच दी, मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। दैट मींस यू हैव सरप्लस राइट नाउ। एब्सोल्युटली, मैंने गोल्ड भी मॉर्गेज करा दिया। बीवी मान गई? बिल्कुल। घर का एटमॉस्फेयर कैसा है? सुपर्ब। तो कहाँ थे पहले? डेट ट्रैप। कहाँ जाओगे? फ्रेश न्यू लाइफ। हमारी बताई हुई बात याद रखूंगा। फिसलोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। भूलोगे तो नहीं? सवाल ही नहीं उठता। What's my name? संजय वर्मा। What's the show called? Debt to Life. I didn't hear you. Debt to Life. We fixed it. Yes, we did. Fantastic. So that's how the slightly unique experience of the Debt to Life journey ends for us. Unique in the sense कि case study तो real थी, numbers भी real थे, लेकिन sensitive इतना था ये सारा matter कि वो खुद camera से आने पे कतरा रहे थे. So we've tried to do our best to present the story to you and keep it as close to reality as possible. So until we find another interesting story, another family to help out, keep watching Bloomberg UTV and watch this space for more such stories to come. An initiative supported by ARMS, a division of RCIL.